हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नूपुर। आज मैं आई हूं बाटा मछली के एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके। बाटा मछली का तेल झाल, ये बहुत फेमस एक रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी मछली है जो बंगाली लोग बहुत पसंद करते हैं। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए यहाँ आधी किलो बाटा मछली को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, फिर धो लिया है। अब ऊपर से नमक, हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर लगा के इसको फ्राई करेंगे। कढ़ाई में तेल गरम हो रहा है और मछली में बहुत अच्छे से हमें मसाला दोनों साइड से लगाना है और तेल बहुत अच्छे से हमें गरम करना है, नहीं तो मछली चिपक के कढ़ाई में टूट जाएगा। जब तेल से धुआं निकलने लगा है, ये देखिए, अब मैं मछली फ्राई करूँगी। ये देखिए, मछली मेरा फ्राई हो गया है। अब कुछ सब्जी मैंने ले लिया है, आलू, बैंगन और अरबी। बहुत अच्छा लगता है सब्जियों के साथ ये मछली। और यहाँ मसाला लिया है, प्याज, अदरक, हरी मिर्च और टमाटर का पेस्ट लिया है 4 टेबल स्पून। कुछ साबुत हरी मिर्च भी मैंने ले लिया है। उसी तेल में जिस तेल में मछली फ्राई किया है उसमें जीरा का तड़का लगाएंगे 1 टीस्पून और फिर आलू और अरबी को पहले फ्राई करेंगे। ये थोड़ा हार्ड होता है आलू और अरबी, इसलिए पहले इसको फ्राई करेंगे। और नमक भी डाल दिया है स्वाद अनुसार, इसमें सब्जी जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। इसको हम ढक देंगे 2-3 मिनट के लिए, अच्छे से फ्राई हो जाएगा और सॉफ्ट भी हो जाएगा। अब इसमें हम बैंगन डाल देंगे। बैंगन सॉफ्ट होता है, जल्दी हो जाता है, इसलिए थोड़ी देर बाद हम इसको ऐड करेंगे। मेरे चैनल में फ्रेंड्स मछली की बहुत रेसिपी है, आप चाहो तो देख सकते हो। और बटा मछली की दूसरा रेसिपी भी अपलोड है, मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप चाहो तो देख सकते हो। ये बहुत ही टेस्टी एक मछली है। अभी थोड़ा टाइम लगेगा अरबी और आलू को अच्छे से सॉफ्ट होने के लिए। अब इसमें हम डाल देंगे मसाले का पेस्ट जो तैयार करके रखा है मैंने, 4 टेबल स्पून है। और अच्छे से भुनना है मीडियम फ्लेम में। देखिए तेल छोड़ने लगा है। अब ड्राई मसाला ऐड कर दूंगी। हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, कश्मीरी रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून। अब मसाला तेल एक साथ अच्छे से मिला के हमें बढ़िया से फ्राई करना है। बाटा मछली में कांटे बहुत होता है लेकिन बहुत टेस्टी होता है। जिस मछली में कांटे ज़्यादा होता है फ्रेंड्स, उस मछली का स्वाद सबसे ज़्यादा होता है। जैसे कि हिलसा मछली भी बहुत टेस्टी होता है, आपको पता है, और बंगाली लोग बहुत खाते हैं। पानी डाल दिया है, ये तरी वाला सब्जी होगा इसलिए थोड़ा पानी ज़्यादा डालना है हमें। मछली ऐड कर दिया है, बस हमारा ऑलमोस्ट हो गया है। अब मछली हमारा बनके तैयार हो गया है। ऊपर से साबुत हरी मिर्च हम इसको डाल देंगे। अब हमने सर्व भी कर लिया है। होप आप सबको ये रेसिपी पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक कमेंट्स करना। और मेरे चैनल में बहुत सारे रेसिपी अपलोड है, प्लीज़ देखना। थैंक यू।